हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डीजीशाला जेई नीट। आज के क्लास में हम लोग एनटीए अभ्यास के टेस्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये सीरीज जो है बहुत पसंद आ रहा होगा। जिस तरह से मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस बता रहा हूँ और जिस तरह से मैं अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल उस तरह से घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप। बिल्कुल देखिए, इस सीरीज का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, साथ में मेरे भी। जैसे मैं जैसे जिस थ्योरी को जिस तरह से बता रहा हूँ ना, आप एक बार क्या कीजिए कि लेक्चर को सुन लीजिए और फिर आप ये बंद कर दीजिए कॉपी को, और फिर उसी क्वेश्चन को ना आप बनाने की कोशिश कीजिए, और आप देखिए कि आप उतनी क्लैरिटी के साथ उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह से समझ के बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो रहा है, छोटा से छोटा दिक्कत हो रहा है ना, तो आप मेरे तक पहुँचिए, मैं उसको बिल्कुल रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो आप मेरे बारे में लेक्चर को यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आपसे रिलेटेड जो बायो टेलीग्राम ग्रुप है, जो व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका ये जो एक्ट होगा, जो सपोर्ट होगा ना, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखें, क्योंकि इस इनिशिएटिव के सक्सेस के लिए हम लोगों को एकदम साथ में काम करना होगा, तब जाके ये हमारा मेहनत जो है ना, हम हमेशा बोलते हैं हमारा मेहनत, हमारा का मतलब है कि इसमें मेरा मेहनत भी है और आपका मेहनत भी है, तब जाके हम लोग सक्सेसफुल कहला पाएंगे, है ना। इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। आप बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं, जो डिस्कशंस हम लोग वहाँ पे करते हैं उससे आपको काफ़ी आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकता है। सो आज हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जो कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नॉर्मैलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मैलिटी को हम लोग ऐसा लिखते हैं, मोलारिटी इंटू में एन फैक्टर लिखते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। देखिए, मोलारिटी ना बच्चा बहुत अच्छे से करके जाता है, तो मोलारिटी में बच्चों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन नॉर्मैलिटी में बच्चों को दिक्कत होती है। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे कि नॉर्मैलिटी में बच्चों को दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग को दिमाग में रखना है। अब क्या है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको किसका एन फैक्टर निकालना है ये समझिए। तो हमको किसका निकालना है, H2SO4 का निकालना है। तो H2SO4 एक एसिड है, और एसिड का एन फैक्टर उसके H+ से डिसाइड होता है। तो H2SO4 कितना H+ देगा, तो 2 देगा, तो एन फैक्टर भी 2 ले लेंगे। अगर HCl होता तो कितना ले लेते, 1 ले लेते। अगर H3PO4 बोलता तो फिर 3 ले लेते, है ना। तो इस तरह से हम लोग एन फैक्टर निकाल लेंगे। तो एक चीज तो ये हो जाता है। अब सेकेंड बात है कि आप मोलारिटी को जरा से समझिए। तो मोलारिटी होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से जब हम मोल्स निकालेंगे किसका, सॉल्यूट का, किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का, तो हम लोग लिख सकते हैं मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। और इस फॉर्मूले के अंदर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा लीटर्स के अंदर होता है, तो इसको दिमाग में हमेशा रखना है। अब आपको पता है कि मोल निकल गया तो मास निकालना तो बहुत आसान है। तो हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना है कि पहले नॉर्मैलिटी को क्या कीजिए, मोलारिटी में कन्वर्ट कर लीजिए। मोलारिटी से क्या कीजिए, आप मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, और मोल से आप उसको मास में कन्वर्ट कर लीजिए। जो वेट पूछा है वही आपका मास हो गया, तो आप उसको मास को भी वहां पर कन्वर्ट, मास को निकाल लीजिए, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए आपका नॉर्मैलिटी कितना है, 0.4, तो पहले आप निकाल लीजिए मोलारिटी। तो कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मैलिटी 0.4 बटा में एन फैक्टर 2। देखिए ये फॉर्मूला, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना, 2। तो जब हम मोलारिटी निकालेंगे तो कितना करेंगे, 2 से भाग लगा लेंगे, तो हमारा ये आ गया, कितना वैल्यू आ गया, 0.2 आ गया। तो हमने नॉर्मैलिटी से मोलारिटी निकाल लिया, अब मोलारिटी से हम लोग को मोल निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए तो मोलारिटी से मोल कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम को लीटर में लेकर मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमारा मोल निकल जाएगा, और मोल किसका निकलेगा, सॉल्यूट का। तो सोचिए ना, H2SO4 का ही तो सॉल्यूशन है, है ना। तो हम लोग को मोल किसका मिलेगा बताइए, H2SO4 का मोल मिलेगा।
तो कितना मोल आ जाएगा, तो 0.2 ये मोलारिटी हो गया, और वॉल्यूम हो गया कितना 1200 ml, ये ml है ना। तो जब मिली लीटर होगा, ध्यान रखिए जब मिली लीटर होगा तो उसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वहां पर वैल्यू आपका ये आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, तो आप यहाँ से वैल्यू को चेक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 2 कट जाएगा और ये आपका यहाँ पर एक और ये हो जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 24 हो गया, तो आपका 0.24 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, मोल आ गया। अब बताइए जब मोल पता है तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है, मास, मतलब कौन सा मास, गिवेन मास, अब बटा में क्या मोलर मास, तो गिवेन मास निकाल लीजिए यहाँ से। कैसे निकालेंगे, मोल का वैल्यू दिया हुआ है 0.24, अब मोलर मास का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे, इसका हाइड्रोजन का 2 जोड़ लीजिए, एक एक 2 हो गया, प्लस सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4, तो यहाँ से जब करेंगे तो 98 आएगा। तो यहाँ से आपका गिवेन मास निकल जाएगा, तो जो गिवेन मास आएगा वो आ जाएगा आपका 0.24 इंटू में आ जाएगा 98। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ए निकल के आता है, आप चेक कर लीजिएगा। नहीं देखिए 4 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा ना 2 लास्ट में आएगा, है ना, तो आप उस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीका ये हो गया कि इस तरह से हमने बना दिया है। अब एक दूसरा तरीका भी इसका होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम मोलारिटी से नहीं निकाले, हम डायरेक्ट नॉर्मैलिटी से निकाले, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए नॉर्मैलिटी से जब निकालेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं, तो नॉर्मैलिटी बराबर लिखते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बटा में वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट इसको जरा सा समझिएगा, अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा, ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं आपको एक स्पेशल क्लास ले सकता हूँ किस चीज पे, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और ये सब चीजों पे मैं पढ़ा दूंगा आपको, उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे टॉपिक्स के अंदर। तो नॉर्मैलिटी के डेफिनेशन से भी हम लोग बना सकते हैं, ये हमारा मेथड 2 हो जाएगा, तो हम लोग मेथड 2 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा में कितना वॉल्यूम क्या सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में, तो एक ये हो गया। और ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और आता है, जैसे देखिए जैसे मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, उसी तरह से इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास और बटा में होता है इक्विवेलेंट मास, समझ पा रहे हैं इसको। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है आपका क्या, बताइए, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास और बटा में हो जाता है एन फैक्टर। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है ऐसे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या निकलेगा, गिवेन मास बटा में आएगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, मोलर मास और बटा में एन फैक्टर, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। अब ये सारा चीज को ना आप यहां इस्तेमाल कर दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए पहले आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मैलिटी दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट में, और ग्राम इक्विवेलेंट से कन्वर्ट कर लेंगे गिवेन मास में। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 0. कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था ना, देखिए यहां पर 0.4 दिया हुआ था, तो अब इससे ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 0.4 इंटू में कितना 1200, लेकिन किसमें लेना है, लीटर्स में, तो ये आ जाएगा आपका 1000, ये कट जाएगा, तो आपका ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा कितना, बताइए 0.48 आ जाएगा, ठीक है। अब गिवेन मास में चले जाइए, तो बताइए गिवेन मास कैसे निकलेगा, बताइए यहां से निकलेगा, है ना, लेकिन उसके लिए इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो H2SO4 का मोलर मास कितना 98 और एन फैक्टर कितना बताइए 2, मैंने स्टार्टिंग में बताया, पिछले वाले जो मेथड बताया उसमें बताया था ना, तो इसका मोलर मास आ गया कितना 98 और उसका एन फैक्टर आ गया 2, तो यहां से आ गया ये 49। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आपको मिल चुका है, कितना मिल गया 0.48, ये आपको मिल चुका है, कितना मिल गया है 49, तो आपको यहां से ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने 2 तरीके से बनाया है, और एक बात याद रखिए
कि जब तक आपको मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू नॉर्मैलिटी ये सब क्लियर नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आप अप्रोच नहीं कर पाइएगा। और ये क्वेश्चंस के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है जेई मेन के अंदर में, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू जो है ना बहुत बेसिक आपका क्वेश्चन है, आप इसको बेसिक कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं और आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपका अल्कली मेटल्स जो है बोलता है कि एक्ट एज, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नन ऑफ दिस। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये हो जाता है कि जो दूसरों को रिड्यूस करे, वो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और खुद को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इटसेल्फ को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब आपका डेफिनेशन हो जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं जो दूसरों को क्या करे, रिड्यूस करे, और खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। तो खुद को जो ऑक्सीडाइज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा देखना है, आप खुद के लिए रखिए, दूसरों पे हमें फोकस नहीं करना, अपने आप पे फोकस करना है। तो जो अपने आप को मतलब ऑक्सीडाइज करे वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो अपने आप को रिड्यूस करेगा वो क्या हो जाएगा बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एकदम उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो दूसरों को क्या करे ऑक्सीडाइज, और खुद को क्या करेगा रिड्यूस। तो जो खुद को करेगा रिड्यूस, इटसेल्फ रिड्यूस करेगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अल्कली मेटल्स पे। अब बताया अल्कली मेटल्स का आप नाम लीजिए, आपके मन में क्या आएगा, अल्कली मेटल्स सोडियम पोटेशियम ये सब नाम आएगा। आप लिथियम से स्टार्ट कर सकते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया आपका, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब हो गया। अब आप सोचिए ना, जरा सा देखिए, सोडियम पोटेशियम ये सब आप समझिए कि ये सब मेटल्स हैं, क्या है, ये सब मेटल्स हैं। और मेटल्स का एक खास होता है क्या बताइए, कि मेटल्स ना इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। हमने बचपन से पढ़ा है कि मेटल्स का मतलब ही होता है कि मेटल्स वो होता है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होता है, और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से रिलीज कर सकता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर पाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मतलब वो लॉस कर रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या बताइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो रिडक्शन हो जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो जरा सोचिए अगर कि सोडियम अगर कोई मेटल है तो ये क्या करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन का निकालना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो ये खुद को किस में लेके आना चाहेगा, Na प्लस के अंदर लेके आना पड़ेगा, है ना। और देखिए अब अगर ये यहाँ पर क्या है बताइए, ये जीरो में है और ये यहाँ पे प्लस वन में है, और ये खुद को क्या किया है बताइए, ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो वो अपने आप को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। तो यहाँ पर ये क्या किया, अपने आप को ऑक्सीडाइज किया है, क्या किया है, अपने आप को ऑक्सीडाइज किया। जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा उसको क्या बोलेंगे बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना वो आपके मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, देखिए मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करेगा मतलब वो ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा। और सोचिए ना, मेटल्स का राजा कौन है, मेटल्स का लीडर कौन है, तो वो अल्कली मेटल्स है, है ना। मेटल्स में सबसे अच्छा मेटल्स कौन है, अल्कली मेटल्स है, वही राजा है उसका। हमने सुना है ना कि पोटेशियम जैसे सोडियम को रखते हैं तो आग लग जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन हो जाता है। तो मेटल्स का राजा, मेटल्स का लीडर है कौन आपका बताइए, अल्कली मेटल्स। और जो मेटल्स होते ही है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, मतलब ऑक्सीडाइज होने के लिए, इसका मतलब क्या कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो आपके गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो पानी खींच सके, तो वो तो हम नहीं कह सकते ना, हम तो लॉस और गेन के आधार पे बोल सकते हैं, है ना। और ये सी वाला नहीं होगा, नन ऑफ दीज, तो खैर बनेगा ही नहीं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, ये आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री से पूछा हुआ सवाल है। लेकिन इसको बनाने से पहले आपको एक डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। दो पार्टिकल होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, बस आप इसको समझ जाइएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता। देखिए अल्फा पार्टिकल हम किसको बोलते हैं, जैसे आपका हीलियम हो गया, तो हीलियम से हम लोग हीलियम के नोटेशन को यूज करते हैं अल्फा पार्टिकल के लिए। तो दो हो गया और यहाँ पे चार हो गया,
तो इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब कि जिसके पास प्लस में टू यूनिट चार्ज हो, क्या हो, प्लस में टू यूनिट चार्ज। टू यूनिट चार्ज का मतलब कि जिसके अंदर दो प्रोटॉन के जैसा, मतलब उसके पास चार्ज हो दो प्रोटॉन के जैसा। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बताइए, प्लस में 1.6 इंटू 10 का पावर कितना -19, और इसको हम लोग शॉर्ट में ई बोलते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास प्लस में 2e चार्ज होना चाहिए, किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर। तो दो यूनिट चार्ज हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर होना चाहिए, ये हम लोग बोलते हैं। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अल्फा पार्टिकल पे कितना पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज। तो दो पॉजिटिव चार्ज मतलब दो यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यूनिट का मतलब है कि जितना प्रोटॉन पे होता है उसका यूनिट लेना है। तो हम लोग बोलते हैं कि टू यूनिट चार्ज होना चाहिए अल्फा पार्टिकल पे, और 4 AMU मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 AMU मास होना चाहिए। तो दो यूनिट चार्ज और 4 AMU मास, इसका मतलब है कि उसको हम लोग हीलियम से डिनोट करते हैं। तो इसको दिमाग में रखेंगे बस, कि अल्फा पार्टिकल का मतलब है जिसपे दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 4 यूनिट मास है ना, ये हो गया। बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, बस आप इतना ध्यान रखिए, बीटा पार्टिकल इज लाइक इलेक्ट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, तो ये न्यूक्लियस से निकलता है। तो सोचिए ना, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलता है तो वो क्या बना के जाएगा, प्रोटॉन बना के जाता है। सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है न्यूक्लियस से ना, तो वो कैसे निकलता है समझने की कोशिश कीजिए, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे आपका जो ये न्यूट्रॉन है वो आपका इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अब वो अपने आप को ना प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, वो अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके थ्रू ना इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। देखिए कि बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज हो जाता है, और इस पे मास कितना, -1 चार्ज आप यहां लिख दीजिए ऐसा, और यहां पे कितना लिख देंगे, 0। तो बीटा को ऐसा लिखा जाता है, बीटा मतलब -1 लिख देते हैं और यहां 0 लिख देते हैं। समझ में आ रहा है, ये -1 का मतलब क्या है, कि वो जब जाएगा ना तो एक प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज करता हुआ जाएगा, मतलब एक प्रोटॉन वो देता हुआ जाएगा। तो इस तरह से दिमाग में रखते हैं, बीटा माइनस लिखा जाता है इसको, है ना, बीटा ऐसा माइनस भी लिख देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो भी एक बीटा पार्टिकल के जैसा है, तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए कि अल्फा पार्टिकल जब आपको बोलेगा तो क्या बोलेगा, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, कैसा चार्ज, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब मास कितना है, 4 AMU है। और बीटा जब बोलेगा तो क्या बोलेंगे, तो -1 नेगेटिव चार्ज है उस पर, -1 नेगेटिव चार्ज है, और मास कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 बोल देते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलेगा, समझिए जरा सा। हम लोग एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, समझिए एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स है, यही होता है ना। और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, 11 और यहाँ पे कितना लिखते हैं, 23। तो 11 यहाँ पे प्रोटॉन है और 23 यहाँ पे क्या है, उसका टोटल मास है ना, मास है या मास नंबर है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं। और जो एटॉमिक नंबर है वो किससे डिसाइड होता है, प्रोटॉन से डिसाइड होता है, ये हमको समझ में आ जाता है। तो ये हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब इसको लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट लॉ को लगाते हैं, क्या बोलता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोलता है कि जब भी किसी न्यूक्लियस से अल्फा निकलेगा, तो इसका मतलब कि उससे दो प्रोटॉन निकल गया, दो प्रोटॉन बाहर निकल गया। और वो दो प्रोटॉन जब बाहर निकलता है तो अल्फा पार्टिकल तब बोलेंगे जब उससे 4 यूनिट मास भी निकल जाएगा, मतलब दो प्रोटॉन भी निकलना चाहिए और 4 मास भी निकलना चाहिए, तो हम कहेंगे क्या कि वो अल्फा पार्टिकल निकला है। तो सोचिए ना कि किसी का अगर प्रोटॉन अगर 90 था तो उससे 2 निकल गया तो कितना बचा, अब 88 प्रोटॉन बचा अल्फा निकलने के बाद। और किसी का मास अगर मान लेते हैं ऐसा कि 100, मतलब कुछ भी मान लीजिए 190 है मास, तो जब प्रोटॉन जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो कितना चार्ज, वो मास कितना लेके जाएगा, 4 लेके चला जाएगा, तो कितना मास छोड़ के जाएगा, 186 छोड़ के जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा पार्टिकल जब निकलता है ना, तो उसमें प्रोटॉन का संख्या 2 से घट जाता है, प्रोटॉन का संख्या 2 से घट जाता है, इसका मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा और उसका जो मास है वो 4 से डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। अब बीटा के लिए देख लेते हैं जरा सा, बीटा क्या बोलता है, देखिए बीटा का मतलब क्या है कि माइनस में इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या
कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है हमने बताया आपको कि न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और प्लस में इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल गया, अब प्रोटॉन को अंदर छोड़ के गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो न्यूक्लियस के अंदर एक नया प्रोटॉन जन्म लेता है, ठीक है, ये सब पूरा न्यूक्लियर प्रोसेस चल रहा होता है। तो जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो आप मान लीजिए कि एक प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर जन्म ले रहा है, मतलब पहले अगर 90 प्रोटॉन था तो अब 91 प्रोटॉन हो जाएगा, लेकिन मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है तो मास लेके नहीं गया, मास छोड़ के गया है, सो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डिस्प्लेसमेंट लॉ को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अल्फा निकलेगा तो दो प्रोटॉन निकलेगा, इसका मतलब एटॉमिक नंबर दो से घटेगा, मास नंबर जो है वो चार से घटेगा। बीटा पार्टिकल जब निकलेगा तो एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा, क्यों? चूंकि प्रोटॉन एक से बढ़ गया, लेकिन मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए बोलता क्या है कि थोरियम है 90, उसका एटॉमिक नंबर है 234, उसका क्या है बताइए, देखिए यहाँ पे लिखिए थोरियम 90 है आपका और यहाँ पे कितना है 234। अब इसमें बोलता है क्या बताइए कि दो सक्सेसिव बीटा डीके हुआ, मतलब दो बीटा निकला, बीटा यहाँ पर कितना निकला, दो बीटा निकला, मान लेते हैं दो बीटा निकल रहा है, तो जब दो बीटा निकला तो क्या बताया हमने कि उसका प्रोटॉन का संख्या एक बीटा से क्या होगा, एक बढ़ेगा, तो दो बीटा से दो बढ़ेगा और मास में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ दो बीटा जब निकलेगा तो ये कुछ नया बन जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो वो एलिमेंट बदल जाएगा। जैसे सोचिए अगर सोडियम है तो 11 है, पोटेशियम होगा तो 19 बोलेंगे, कैल्शियम होगा तो 20 बोलेंगे, तो एटॉमिक नंबर बदला तो मतलब वो मेटल भी चेंज हो गया, वो एलिमेंट भी चेंज हो गया। तो अब बताइए क्या लिखेंगे, दो बीटा निकल गया तो यहाँ पे 92 लिख देंगे और इसका कितना लिख देंगे 234 लिख देंगे। और अब क्या बोलता है कि उसके बाद फिर अल्फा डीफे होता है, मतलब सक्सेसिव मतलब लगातार, दो बीटा निकला और उसके बाद फिर एक अल्फा निकला, तो बताइए जब अल्फा यहां से निकलेगा, जैसे ये माइनस मतलब निकलना, तो अल्फा जब निकलेगा तो क्या करेगा, दो प्रोटॉन घटा देगा, तो इसका मतलब प्रोटॉन बच जाएगा 90 और चार मास घटा देगा, मतलब ये बच जाएगा 230, ऐसा हो जाएगा। और ये आपका कुछ भी यहाँ पे आप वाई लिख दीजिए, ये हो गया। और ये 90 बताइए ये क्या है, बताइए थोरियम है, तो इस वाई को भी आप क्या बोल सकते, थोरियम बोल सकते, इतना बोलने का हक है आपको, क्यों, चूंकि 90 एटॉमिक नंबर है और 90 पे एटॉमिक नंबर पे थोरियम दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, 90 और 230 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। देखिए थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे अगर ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने में भी समय लगेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा निकलेगा तो क्या होगा और बीटा निकलेगा तो क्या होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है जो कि मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन बोलता है कि जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो दिया हुआ है किसी का, कितना 2.84 bm दिया हुआ है, bm का मतलब होता है यूनिट है वो, जिसको हम बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन, है ना, तो ये उसका यूनिट हो जाता है। तो बोलता है कि वो गिवेन ऐसा है, तो बोलता है कि इनमें से बताइए कौन है वो, किसके द्वारा ऐसा दिया जाएगा। तो इसमें ना दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट और दूसरा हंट्स रूल लगाना है। हंट्स रूल के आधार पे आपको क्वेश्चन को बना लेना है और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखने अगर आ जाएगा तो उसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, बहुत ईजी है ये। तो पहले तो हमको करना क्या होगा, पहले हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, और इसको आप बराबर कर दीजिए 2. कितना बताइए 84। अब कोई बच्चा जो है ना इसको क्या करता है कि वो डायरेक्ट सॉल्व करने जाता है, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, देखिए कि हम बताते हैं ना एक डब्बा है, तो एक डब्बा में अगर ये डब्बा खाली है तो एम्प्टी बोलते हैं, इसको एम्प्टी ऑर्बिटल बोलते हैं। एक अगर है तो उसको बोलते हैं क्या, कि वो अनपेयर्ड है, अगर दोनों आ जाएगा, अगर उल्टा होके, तो उसको बोलते हैं पेयर्ड हो गया, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब हम लोग n इंटू एन प्लस टू का रूल लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसके लिए ना अगर आप चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके बना ले, या बहुत सिंपल भी बना सकते हैं। देखिए n का वैल्यू रखते जाइए, अगर n का वैल्यू जीरो रखेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो, इसका मतलब वो तो आंसर नहीं है। n का वैल्यू वन रखिए, तो वन इंटू आप कर दीजिए कितना, वन प्लस टू, ये हो गया थ्री,
और बताइए 3 का रूट कितना होता है, बताइए 1.73 होता है, तो आपका ये वाला भी नहीं हो पाएगा। अब आप लिख दीजिए 2, तो क्या होगा n अगर 2 होगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 मतलब 4 हो जाएगा, और 4 का मतलब ये हो जाएगा रूट 8। अब बताइए रूट 8 का जो वैल्यू होगा वो रूट 9 से जस्ट छोटा होगा, रूट 9 कितना होता है बताइए, रूट 9 बहुत ईजी है 3 होगा, तो 3 से जस्ट छोटा मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब कि n का जो वैल्यू है आप सॉल्व ना भी करें तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपको देखना है कि इन चार ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आता है, तो अब इसके लिए कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। तो आप निकल का कॉन्फिगरेशन लिखिए पहले, तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये 28 हो गया तो कैसे लिखेंगे बताइए, 1s2 ये आता होगा आपको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बताइए उसके बाद क्या लिखते हैं, 4s लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं बताइए, 3d लिखते हैं, और 3d कितना 8 लिखते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज, तो बताइए अगर ni में अगर ऐसा, जैसे ये 28 हो गया ना आपके पास, तो यहाँ पर आप 3d 8 लिख देंगे, है कि नहीं, तो आप यहाँ से आप लिखिए और वहां से फिर आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, है ना, बताइए आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो बताइए अगर यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा आंसर, अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s2 हो गया, और 3d 8 हो गया। लेकिन हमको क्या लिखना है, निकल का प्लस 2 वाले का लिखना है। तो प्लस 2 वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बताइए, अगर 28 इलेक्ट्रॉन था तो 2 निकल गया ना, तो अब 26 बचा। तो देखिए दिमाग में रखिएगा हमेशा कि 4s2 में इलेक्ट्रॉन जाता पहले है लेकिन निकलता पहले भी, ये भी है, जैसे इलेक्ट्रॉन पहले ही जाएगा लेकिन निकलेगा भी पहले, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन गया है किस में, डी में गया है, लेकिन वो निकलने की जब बारी आएगी तो वो एस से निकलता है। तो जब कॉन्फिगरेशन लिखिएगा आप Ni2 प्लस का, तो आप ऐसा लिखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और उसके बाद 4s नहीं रहेगा, क्यों, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब डायरेक्ट यहां पे हम लोग लिख देंगे 3d8, क्या लिख देंगे 3d8, ऐसा हम लोग लिख देंगे। अब ये 3d8 का ना डायग्राम बना लेंगे कितना अनपेयर्ड है। देखिए एस में कितना डब्बा होता है, एक डब्बा होता है, तो एक डब्बा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पेयर्ड है। ये वाला क्या है, ये भी आपका 2s है, तो ये भी आपका पेयर्ड होगा। 2p है, तो 2p में कितना डब्बा होता है बताइए, 3 डब्बा, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो 3 ऐसे जाएगा और फिर आपका ऐसे अनपेयर्ड चला जाएगा इस तरह से। 3s का भी उसी तरह से आपका पेयर्ड रहेगा, 3p वाला भी वैसे पेयर्ड होगा। 8 वाला देखिए, तो d में कितना डब्बा होता है बताइए, d में डब्बा होता है टोटल 5, d में डब्बा होता है कितना, टोटल 5 डब्बे होते हैं। तो अब हमको 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है, कैसे करेंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, तीसरा इधर जाएगा, चौथा इधर जाएगा, पांचवा इधर जाएगा। ये हंट्स रूल के अनुसार ऐसा होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको हंट्स रूल आता है, कि क्या बोलता है हंट्स रूल, के सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या है, अब 5 हो गया, तो छठा फिर उल्टा चला जाएगा, सातवा जाएगा, आठवा जाएगा। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर अनपेयर्ड रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका अनपेयर्ड रह गया, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 2। और यही हमको ढूंढना था कि किस वक्त इन चारों में से किसका जो है n का वैल्यू 2 है। एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, इन सब में n का वैल्यू 2 नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा। टाइटेनियम का ले लेते हैं, टाइटेनियम का कितना बोलता है बताइए, टाइटेनियम 22 है, तो लिख लीजिए टाइटेनियम का 22 लिख लीजिए। तो 22 जब लिखिएगा ना, तो देखिए यहां तक सेम रहेगा आपका पूरा 4s2 तक, तो सेम ही रहेगा ये, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गया, 4s2 और 3d2 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए, 3d2 हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि टाइटेनियम का कितना चाहिए, प्लस 3 चाहिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 यहां से निकाल देंगे और 1 यहां से निकाल देंगे, है ना। तो जब यहां से 2 निकल जाएगा और 1 यहां से निकल जाएगा, तो जो फाइनल आएगा आपका टाइटेनियम 3 प्लस का, वो क्या आ जाएगा, तो ये आप यहां से यहां तक सेम रखिए 3p6 तक, ये निकल गया पूरा, तो ये खत्म हो गया, है ना। और वाइटल्स का अस्तित्व तभी है जब उसमें इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो हटा दीजिए उसको।
डी में दो था एक निकल गया क्योंकि टोटल तीन निकलना है, तो दो निकला है किससे, एस से, और एक निकलेगा डी से, है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3D1 हो जाएगा, और 3D1 हो जाएगा ये, और 3D1 हो जाएगा। तो जब डायग्राम बनाएंगे इसका डब्बा वाला, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एक लिख देंगे, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका गैसीय स्टेट का है। इसके अंदर आपको एक रियल गैस का इक्वेशन होता है, पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, आपका ये इक्वेशन होता है, ठीक है। इतना हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा ये इक्वेशन किस तरह से चलता है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि इस तरह से हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ पे आपको पता है पी प्रेशर है, ए जो है कांस्टेंट है, बी भी आपका वैंडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं, एन का वैल्यू, एन जो है मोल्स है, तो एन का वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये फॉर्मूला इस तरह से चला जाएगा, पी प्लस ए बटा वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा आर टी। तो ये ना रियल गैस का बहुत फेमस मतलब आपका क्या है बताइए, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ये आपका इक्वेशन हो जाता है। लेकिन होता क्या ना कि इसी इक्वेशन को हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और एक फॉर्म जो होता है वो होता है वीरियल इक्वेशन, जिसको आप लोग पढ़े होंगे गैसीय स्टेट के अंदर वीरियल इक्वेशन होता है। कुछ लोग इसको एरियल इक्वेशन समझ लेते हैं और वो कपड़ा धोने वाला सामान समझ लेते हैं, तो वो एरियल इक्वेशन नहीं है, वो वीरियल इक्वेशन है। तो जरा सा उसको समझने की कोशिश करते, देखिए कि अब क्वेश्चन में बोलता क्या, देखिए यहाँ पर कि जो थीटा है वो टी बाई टी सी है, टी सी क्या है, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट है आपका टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। पाई जो है वो आपका पी बाई पी सी है, और जो फाई है वो है आपका वी बाई वी सी। तो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, तो बोलता है कि जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा गैस का, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट, किसका, रियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो बोलता है कि इसी इक्वेशन को जो ये थीटा पाई और फाई है ना, उसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए थीटा जो है आपका वो है टी बाई टी सी, तो टी जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, टी सी इंटू कितना, थीटा हो जाएगा। और टी सी जो है ना, जरा समझिएगा, टी सी पी सी और वी सी ये ना क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। और ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, तो हम लोग गैसीयस स्टेट के लिक्विफैक्शन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, और इन सबका ना कैलकुलेशन करवाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा, अगर याद नहीं है तो लिक्विफैक्शन का जो टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और इन फॉर्मूलाज को, इन वैल्यूज को आप एक कॉपी पे, एक पेज पे लिख कर दीवार के सामने चिपका दीजिए, और उसको हर रोज देखा कीजिए। आप इसको जब 10 दिन लगातार देखिएगा तो आपके दिमाग में अट जाएगा। जब आप दिमाग में अट जाएगा तो आप कितने दिनों के बाद भी ना इसको भूलेंगे नहीं आप, है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि जो चीज भूलने वाला है थोड़ा उस पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो हम आपको अभी बता देते, देखिए बी सी का जो वैल्यू है वो आता है आपका 3B आता है, टी सी का जो वैल्यू है वो आता है 8A बटा में 27RB आता है, और जो पी सी है वो आता है आपका ए बटा में 27B2। ये फॉर्मूला आता है, ये गैसीय स्टेट में निकाला जाता है। आप अभी के लिए मेरे पे भरोसा कर लीजिए, और उसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं, आप जाके घर पे चेक कर लीजिएगा अगर नहीं है तो। तो यहाँ से हम टी सी लिख देंगे, और टी सी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं बताइए, 8A बाई कितना 27RB और इंटू कितना थीटा हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहां पर आपको ये दिया हुआ है, पाई इक्वल टू पी बाई पी सी दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, पाई इक्वल टू पी बाई पी सी। तो यहां से पी निकालेंगे तो आ जाएगा पी सी इंटू पाई, और पी सी क्या हो जाएगा बताइए, ए बाई 27B2 इंटू कितना पाई हो जाएगा। उसी तरह से फाई देखिए लिखा हुआ है कितना बताइए, वी बाई वी सी, तो यहां से भी को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 3B इंटू में कितना फाइव लिख सकते हैं, देखिए यहां पर
ये दिया हुआ है फाइव इक्वल टू वी बाई वी सी, तो वी को लिख सकते हैं कितना, थ्री बी इंटू फाइव लिख सकते हैं, है ना। और वी सी, वी सी कितना था देखिए ना, वी सी के वैल्यू को हम पुट कर दिए डायरेक्ट यहाँ पर, ये जो थ्री बी है ये आपका वी सी का वैल्यू है। अब क्या करना है, ये जो पी है जैसे यहाँ से जो टी आया वो वैल्यू पुट कर दीजिए, जो पी आया वो वैल्यू पुट कर दीजिए, और जो वी आया वो पुट कर दीजिए। कहाँ पुट करना है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट में पुट कर देना है। यहाँ पे वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखिए क्या फॉर्मूला है, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर। तो लगते हैं जरा सा, पी कितना है, ए बटा 27 बी स्क्वायर इंटू पाई। देखिए ए बाई 27 बी स्क्वायर, और इंटू में कितना है बताइए, इंटू में है पाई, है ना, यहाँ पे पाई है, इंटू में पाई प्लस, ये तो क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू जो हमने लिखा है ये वाला, ये हमने पी के जगह पे लिखा है। देखिए फॉर्मूला आपका यहाँ पे पी है, अब ए बटा भी स्क्वायर लिखना है, तो ए अब भी स्क्वायर, भी स्क्वायर देखिए यहाँ पर कितना, भी कितना है, थ्री बी इंटू फाइव है, तो क्या लिख सकते बताइए, थ्री बी का स्क्वायर मतलब कितना होगा, नाइन बी स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका। तो ये जो पूरा जी जो हमने ये वाला जो लिखा है वो क्या है बताइए, ये वी स्क्वायर है, ठीक है, ये वी स्क्वायर है। अब जरा यहाँ पर लिखते हैं क्या है इसके नेक्स्ट में, बताइए क्या है फॉर्मूले में, वी माइनस बी है, ये एक मोल के लिए लगा रहे हैं, देखिए क्योंकि मोल कहीं भी नहीं लिख रहा है ना, ऑप्शन में कहीं भी मोल आपको नहीं दिख रहा है कि मोल कितना दिया होता है, एक मोल पे सॉल्व करेंगे। वी का वैल्यू पुट करेंगे फिर से, वी कितना है, थ्री बी इंटू फाइव लिख देंगे, थ्री बी इंटू फाइव, और माइनस कितना बी, और ये आ जाएगा आपका आर और टी, टी कितना है देखिए, टी को लिखेंगे एट ए बाई 27 आर बी, एट ए बाई 27 आर बी, और इंटू में क्या है बताइए, थीटा। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए इसमें और इसमें ए कॉमन है, यहाँ पे 9 27 है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 हो गया, बी स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, जरा इसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो ए हो गया बटा में 9 ले लीजिए और बी स्क्वायर ले लीजिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए ए तो बचा नहीं, क्या बचा, पाई बचा, यहाँ पे 3 हो गया बटा में और यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो पाई बाई 3 बच गया, प्लस में ए यहां से निकल गया, 9 बी स्क्वायर बच गया, तो बटा में कितना बचा, 1 बाई 5 स्क्वायर बच गया। अब जरा इस ब्रैकेट से कॉमन लीजिए, तो क्या कॉमन है, बी कॉमन हो जाया, तो बी को बाहर ले लीजिए, इंटू में ले लीजिए बी, कितना आ जाएगा, 3 5 माइनस 1 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहां पर कितना हो गया, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 8a बटा में कितना आ जाएगा, 27 b आ जाएगा, ठीक है, और इंटू में कितना, थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, यहां पर एक b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा और ये वाले b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, और 27 से ये वाला 9 कैंसिल होगा और यहाँ पे आपका 27 के जगह पे 3 बचेगा। तो एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, तो देखिए क्या हुआ, ये पूरा कट गया, तो ये आपका बच गया पाई बाई 3 प्लस 1 बाई कितना, 5 स्क्वायर। देखिए बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला अगर याद है टीसी पीसी वीसी का, तो उसको फॉर्मूला पुट कर देना है और वहां पे वैल्यू निकाल लेना है, कोई बहुत हाई फाई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, कॉमन लेना है, आमने सामने मिलेगा तो काट देना है उसको, है ना, उसको छोड़ना नहीं है। यहां पर क्या बचता है, 3 5 माइनस 1 बराबर, बताइए क्या हुआ, यहां पर क्या बच गया, 8 बटा में यहां कितना बचा, 3, और ये क्या बचा, थीटा। अब जरा देखिए आपको ऑप्शंस किस तरह से देता, देखिए ऑप्शन है ना पाई बाई 3 प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर, और ये क्या है, 3 5 माइनस 1 और बराबर 8 बाई 3 थीटा दिया हुआ है। देखिए हमारा भी यही तो आया है, देखिए यही तो आया है हमारा भी, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको ये वाला वैल्यू याद होना चाहिए, ये वाला, अगर ये वैल्यू याद नहीं होगा
तो फिर बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर दो चीज याद होना चाहिए, एक तो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, और कहाँ मिलेगा, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस में मिलेगा, और वो कहाँ मिलेगा, तो गैसीय स्टेट के अंदर मिलेगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो ये वैल्यू आप यहाँ से याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, एक पेज में लिख लीजिए, और उस पेज को ना अपने सामने दीवाल पे चिपका दीजिए। थोड़ा सा दीवाल को थोड़ा सा मतलब सजाना पड़ेगा, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और सिंसियर विद्यार्थी हैं तो थोड़ा दीवाल को सजा के रखना पड़ेगा फॉर्मूला वगैरह से, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि रियल गैस में ये फॉर्मूला लगता है, और एन के जगह जब वन डालते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। उसके बाद तो भी सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 तक यहाँ पे कर लिया है। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। सो गाइज, मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम इस इनिशिएटिव को बहुत अच्छे से कैरी कर सकें और बहुत मोटिवेशन के साथ इसको हम करा सकें, क्योंकि काफ़ी मेहनत इन्वॉल्व हो रहा है हमारा, और हम चाहते हैं कि ये मेहनत जो है वो काफ़ी मतलब आगे तक जाए। अभी बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स अभी मैं अनाउंस करने वाला हूँ, है ना, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।